हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर भारत इज माय होम का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। इससे पहले मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे बहुत अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाई है, कई पार्ट में है, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लीज़ उन वीडियोस को देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और उसमें ऑब्जेक्टिव्स को भी मैंने क्लैरिफाई कराया है। ठीक है, इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से लाइन बाई लाइन समझाने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इज माय होम एक्चुअल में एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दी गई थी 1967 में, जब वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रपति भवन में। देखेंगे इसके थीम को, क्योंकि किसी भी चैप्टर का थीम अहम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत इज माय होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाइल टेकिंग ओथ एज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। भारत इज माय होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दी गई थी, है ना, ओथ लेते समय, शपथ लेते समय, थर्ड राष्ट्रपति के वक्त में, यानी कि तीसरे प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया के 1967 में। He was born on 8 February 1897. वो 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। And died on May 3, 1969 in Delhi. और उनका जो मृत्यु है वो 3 मई 1969 को दिल्ली में हुई थी। He was an educationist. वो एक शिक्षावादी थे, पॉलिटिशियन थे, राजनेता थे, एज वेल एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स, और महान स्वतंत्रता सेनानियों में से वो एक थे। He has served as the third president of India from 1967 till his death on 3 May 1969. उन्होंने राष्ट्रपति पद पे अपना योगदान दिया, वो राष्ट्रपति पद पे रहे 1967 से लेकर के उनकी मृत्यु की डेट, यानी कि 3 मई 1969 तक वो उस पद पे रहे थे। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत इज माय होम एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं सारांश को, समरी को, यानी कि बहुत बड़े स्पीच का जो खुलासा है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग सारांश। यानी कि किसी भी चीज को अगर लिखा जाए, अगर वो 10 पेज में है तो उस 10 पेज का जो मेन थीम है, 10 पेज को अगर हम समराइज करके, कम करके, और अगर हम उसको 1 पेज में बयान करते हैं, उसी तरह अगर उन्होंने स्पीच दी होगी तो वो स्पीच कई मिनट की रही होगी या थोड़ी देर की रही होगी, तो उस स्पीच को समराइज करके, कम करके जो लिखा गया है उसको हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। फ्रॉम द स्पीच, उस स्पीच से ही डिलीवर्ड आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, जो राष्ट्रपति के पद पर जब वो शपथ ग्रहण करने के बाद जो उन्होंने स्पीच दिया था, उस स्पीच का ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कि सारांश है, उसको हम खुलासा बोलते हैं उसको। इन दिस स्पीच ही प्लेजेस हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ पावर पास्ट कल्चर। इस स्पीच में वो खुद से सौगंध लेते हैं, खुद से कसम खाते हैं, खुद से वादा करते हैं, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, हमारे पुरानी संस्कृति के प्रति वफादार रहने का, टू द सर्विस ऑफ टोटालिटी ऑफ कंट्रीज कल्चर, और देश की संस्कृति के पूर्णता के लिए वो काम करने के, यानी कि उस संस्कृति को वो टूटने नहीं देंगे, वो संस्कृति को कायम रखने के लिए, बचा कर रखने के लिए वो यहां पर कसम खाते हैं अपने आप से। To work for its strength, इसकी मजबूती के लिए काम करने की वो कसम खाते हैं। Without distinction of caste, color और creed, बिना भेदभाव किए हुए किसी caste का, है ना, caste जाति का, color किसी रंग का, या creed यानी कि पंथ का, सोच का, जो भी हमारी सोच है, जो हमारा school of thoughts है, यानी कि जिस भी धर्म में हम विश्वास रखते हैं, जो भी हमारी सोच है, उस बिना सोच की परवाह किए हुए, बिना रंग की परवाह किए हुए, या बिना जाति की परवाह किए हुए, वो कसम खाते हैं कि वो इस देश की, इस संस्कृति की वो रक्षा करेंगे, उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। चलिए हम आते हैं अपने पहले पैराग्राफ के ऊपर, देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पे कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई मस्ट कन्फेस दैट
मैं अवश्य मानता हूं कि, कन्फेस का मतलब होता है मानना, या मुझे अवश्य मानना चाहिए, या मैं अवश्य मानूंगा कि आई एम ओवरवेल्ड, मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड हूं। ओवरवेल्ड का मतलब होता है अभिभूत होना। अभिभूत का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी लफ्जों में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, एक कश्मकश में रहना, है ना, उस एहसास के तले, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरवेल्म। बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, उस विश्वास से, है ना, जो मेरे लोगों ने मुझ में जताया है, जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ में जता करके और ये पद मुझे दिया है, इस पद पर मुझे ला खड़ा किया है, मैं इससे मैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि अभिभूत हूं। By electing me to the highest office in the land, धरती के सबसे ऊंचे पद पर मुझे चुनकर, धरती के सबसे ऊंचे पद पर मुझे चुनकर, जो मेरे लोगों ने मुझे यहां लाया है, उस विश्वास के तले मैं दब गया हूं, मैं अभिभूत हूं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन की तारीफ में कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के सेकंड राष्ट्रपति रह चुके थे और उनका कार्यकाल अभी अभी समाप्त हुआ था, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल यहां से शुरू होता है। तो शपथ लेने के बाद जो उनसे पहले रह चुके होते हैं उनके लिए दो शब्द कहना होता है। तो यहां पर डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में तारीफ करते हुए कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउच टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधाकृष्णन ने प्रेसिडेंसी के लिए, अध्यक्षता के पद के लिए, राष्ट्रपति के पद के लिए उन्होंने एक मेंटल इक्विपमेंट दिया, यानी कि एक मानसिक उपकरण दिया, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन, काबिलियत का एक स्तर दिया, यानी कि काबिलियत का एक लेवल उन्होंने उस पद को बख्शा, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का खजाना उन्होंने दिया। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, रेयरली का मतलब है शायद ही, या मुश्किल से कहीं और पाई जा सके, शायद ही कोई और दे सकता है अपना। During a lifetime devoted to pursuit and knowledge, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में डिवोट कर दिया, यानी कि निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, पूरे जीवन काल को लगा दिया इसके लिए, पर्सूट के लिए, खोज के लिए, है ना, इसकी खोज के लिए, नॉलेज एंड ट्रुथ, ज्ञान और सच्चाई की खोज के लिए, यानी कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल को ज्ञान और सच्चाई की खोज के लिए लगा दिया। He has done more than probably any other man. उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई और कर सकता हो, है ना, टू ब्रिंग आउट, दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए, एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स, है ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन काल पूरा ज्ञान और सच्चाई की खोज में लगा दिया, और उन्होंने शायद औरों से कहीं ज्यादा भारतीय दार्शनिक सोच, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया, और सच्चे आध्यात्मिक मूल्य को, एंड द वननेस ऑफ ऑल द ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज का मतलब होता है आध्यात्मिक मूल्य, है ना, रूहानी कीमत जिसको बोलते हैं, अध्यात्म, आत्मा, रूह, है ना, उसकी एकता के लिए, है ना, उसको एक में पिरोने के लिए, आध्यात्मिक मूल्यों के एकता में पिरोने का काम किया है उन्होंने, है ना, उन्होंने अपना जीवन। He has never lost his faith in the essential humanity of man. उन्होंने कभी भी इंसान की अनिवार्य मानवता में, कभी भी अपना उन्होंने faith नहीं खोया, कभी भी उन्होंने अपना यकीन नहीं खोया, यानी कि इंसान की अनिवार्य मानवता है, अनिवार्य जरूरत है, इंसानियत में उन्होंने कभी भी अपने आप को अपना यकीन नहीं खोया, मतलब इंसानियत के लिए वो लड़ते रहे, काम करते रहे। And he himself or वो खुद has never seized, और उन्होंने खुद को कभी भी seize नहीं किया। Seize का मतलब होता है कब्जा कर लेना, रोक लेना, अपने आप को छोड़ देना। To champion the rights of all the men, to live in dignity with justice. To champion करने के लिए, champion का मतलब होता है समर्थन देना, the right अधिकार के लिए, all men सभी लोगों के, to live in dignity के वो मर्यादा में रहे, with justice न्याय के साथ। तो कहता है उन्होंने कभी भी अनिवार्य मानवता में अपना यकीन नहीं खोया, और वो खुद मनुष्य के गरिमा, है ना, और न्याय के साथ रहने देने के अधिकार का समर्थन देना उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, वो हमेशा उन लोगों के साथ में रहे, अनिवार्य मानवता के साथ। चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ के ऊपर। थर्ड पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, आई कैन ओनली अश्योर यू, मैं ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी।
मैं आपको केवल यकीन दिला सकता हूं कि मैं इस ऑफिस में प्रवेश किया हूं, मैं इस ऑफिस में आया हूं इन अ स्पिरिट ऑफ, स्पिरिट का मतलब होता है भावना के साथ, प्रेयरफुल का मतलब होता है प्रार्थनालुप्त, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता के साथ। तो कहता है मैं आपको केवल यकीन दिला सकता हूं कि मैं इस ऑफिस में पूरे प्रार्थना युक्त भावना के साथ मैं यहां प्रवेश किया हूं, यानी कि पूरे झुकाव के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपने आप को मैं यहां पर पेश किया हूं, एंड टोटली डेडिकेशन और पूर्ण समर्पण के साथ मैंने अपने आप को यहां पर पेश किया है, यानी कि पूरी तरीके से मैंने अपने आप को निछावर कर दिया है, दे दिया है। I have just taken the oath. मैंने अभी अभी oath लिया है, शपथ लिया है of loyalty. किस चीज की शपथ ली है? तो loyalty की, किसके प्रति? To the Constitution of India. मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली। It is the Constitution of comparatively new state. या संविधान तुलनात्मक रूप से नए गणराज्य का है, नए स्टेट का है, यानी कि नए देश का है। क्यों नए देश का बोल रहे हैं? क्योंकि उस वक्त भारत को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। ये स्पीच दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में, और भारत जो हमारा आजाद हुआ था वो हुआ था 1947 में। तो कितने साल हुए थे? तो सिर्फ 20 साल उस वक्त हुए थे। तो हुआ ना हमारा देश बहुत नया नया, हमारा जो गणराज्य है वो क्या हो गया? वो नया हो गया था। तो कहता है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, या संविधान तुलनात्मक रूप से नए स्टेट का है, यानी कि नए देश का है, स्टेट है ना, यहां पर हम देश चलेंगे, न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजंस है, जिसके आजाद नागरिक है, यानी कि जिसके आजाद नागरिक जो है वहां के वो आजाद है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, इतिहास में पहली बार उनको दिया गया है, यानी कि इतिहास में पहली बार उनको एक संविधान दिया गया है। इट इज अ यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, या प्राचीन लोगों का नया राज्य है, प्राचीन लोगों का नया देश है, हु जिन्होंने थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया, लंबे समय अवधि से है ना, यानी कि लंबे काल से, बहुत लंबे समय से, एंड थ्रू द कोऑपरेशन और सहयोग से, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, डाइवर्स का मतलब होता है भिन्न भिन्न, एथनिक का मतलब होता है जातीय, और एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व, भिन्न भिन्न जातीय तत्व के सहयोग से, यानी कि अलग अलग धर्म के लोगों ने मिल करके है ना, कोशिश करके हमारे देश को आजाद कराया था, हैव स्ट्राइवन किया है, स्ट्राइवन का मतलब होता है कोशिश किया है, टू रियलाइज टाइमलेस वैल्यूज, समय के निष्पक्ष मूल्यों को प्राप्त करने का, पहचानने की कोशिश किया है, इन देयर ओन पेक्यूलियर वे, अपने ही खास अंदाज में, पेक्यूलियर का मतलब होता है खास, अपने ही खास अंदाज में उन्होंने समय के मूल्यों को पहचानने की कोशिश की है, मतलब कि उन्होंने अपने खास अंदाज में भारत को आजादी दिलाई है। ठीक है, इसी पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे कहते हैं, I pledge myself, मैं खुद से कसम खाता हूं, मैं खुद से सौगंध लेता हूं, मैं खुद से वादा करता हूं, तो सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, कि मैं उन मूल्यों की सेवा करूंगा। किन मूल्यों की सेवा करूंगा? तो वही मूल्य जिनके लिए या जिनको बनाने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जाने दी है, भारत को आजादी दिलाने में उन्होंने जाने दी है, सीने पर गोलियां खाई है, हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए हैं, कभी सोचा नहीं है था उन्होंने कि हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या फ्यूचर होगा, जब देश की बात आ गई तो सब कुछ छोड़ करके निकल गए। तो वो उसी मूल्य को याद करके वो बोल रहे हैं कि मैं उन मूल्यों की मैं सेवा करूंगा, उस संस्कृति को मैं कभी भी झुकने नहीं दूंगा, उस संस्कृति को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। फिर आगे कहता है, फॉर दो, क्योंकि यदि सम कंक्रीट रियलाइजेशन, कुछ ठोस प्राप्ति ऑफ ए वैल्यू, इसी मूल्य की, मे बिकम, हो सकती है इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, के परिस्थिति के बदलते हुए, किसी मूल्य की जो ठोस प्राप्ति होती है परिस्थिति के बदलते हुए क्या हो सकती है? वो अपर्याप्त हो सकती है, अनावश्यक हो सकती है, गैर जरूरी हो सकती है। होता है कभी कि किसी वक्त कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस वक्त 1947 में हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी 1947 से पहले आजादी दिलाने की, आजाद होने की। लेकिन जब आजादी दे दी गई, यानी आजादी प्राप्त कर ली गई, तो उसके बाद क्या जरूरी था? तो उसके बाद उस देश को बढ़ाया कैसे जाए, है ना, शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, क्या कहते हैं कि किसान खेती ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सके, उन सब के लिए हमारे पास हमें सोचना था। तो
लेकिन आजादी तो आजादी है, उसके बिना तो मिलना मुश्किल था, उसके बिना तो कोई काम करना मुश्किल था। अगर वही नहीं हो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वैल्यू जो होता है वो वैल्यू ही रहता है, लेकिन समय के बदलते हुए वो जो चीज है वो अनावश्यक हो जाती है, यानी कि थोड़ी कम जरूरी हो जाती है, लेकिन वो चीज जरूरी रहती ही रहती है। सपोज डैट के मोबाइल फोन की पैड वाला है ना, एक समय आया था 1100, उससे सिर्फ बात होती थी, थोड़ा बहुत हम लोग गेम वगैरह खेल लिया करते थे। अब समय बदला तो कीपैड की वाला में कलर डिस्प्ले आया, थोड़ा समय बदला तो उसमें कैमरा दे दिया गया, थोड़ा समय बदला डिस्प्ले और बड़ा करके विंडोज फोन लाया गया, और वक्त बदला एंड्रॉइड फोन आ गया, अब और वक्त बदला तो उसके रैम रोम्स प्रोसेसर वगैरह में चेंजेस करके लाया गया। अब हमारे लिए जो है मोबाइल फोन एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जिससे सब कुछ होता है ना, खाना ऑर्डर करना है, शॉपिंग करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन अगर उसमें से बेसिक चीज निकाल दी जाए कॉलिंग, तो किसी काम का ही नहीं फिर वो। तो वैल्यू जो होता है वो वैल्यू ही रहता है, वो हमेशा शाश्वत रहता है, वैल्यू कभी कम नहीं होती है। कहता है विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, समय के बदलते समय द वैल्यू रिमेंस इटर्नली, लेकिन जो वैल्यू है वो इटर्नल रहता है, शाश्वत रहता है, जीवित रहता है ना, वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए और ताजा प्राप्ति के लिए वो दबाव बनाता रहता है, ताजा प्राप्ति के लिए वो तैयार रहता है। कि अगर मान लिया हमारे पास एंड्रॉइड फोन आ गया, तब उसमें फीचर्स नए नए रोजाना ऐड होते चले जा रहे हैं, कैमरा उसका, रैम उसका, रोम उस पर काम होता चला जाता है, फोन लाइट हो, फोन हल्का हो, फोन बढ़िया हो, बैटरी ज्यादा चले, तो नए और ताजा प्राप्ति के लिए क्या होता है उसमें वो वैल्यू जो होता है वो तैयार रहता है। कल जो थे उससे बेहतर, आज जो थे उससे बेहतर कल, कल जो होंगे उससे बेहतर उससे कल होंगे, तो हर दिन जो होता है वो परसेंटेज बाई परसेंटेज लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो वैल्यू ही रहता है, उसको हमेशा देख करके हम आगे बढ़ते हैं। और आगे कहता है द पास्ट इज नॉट डेड, अतीत मर नहीं गया है, अतीत खत्म नहीं हो गया है, भूतकाल जिसको हम लोग बोलेंगे वो मर नहीं गया है, रुक भी नहीं गया है, स्टैटिक और वो रुका हुआ भी नहीं है, इट इज अलाइव, ये जीवित है एंड डायनेमिक, और ये क्या है, गतिशील है एंड इज इन्वॉल्व और जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को बढ़ाने में लगा हुआ है। कि समय था, फोन था, मोबाइल फोन, वो पास्ट था, लेकिन उस पास्ट को देख करके हम प्रेजेंट को अच्छा बनाते हैं, और प्रेजेंट को अच्छा बनाते हैं तो फ्यूचर ऑलरेडी हमारा अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो पास हमारा मरा हुआ नहीं रहता है। एक समय था जब हमारे लिए जरूरी था आजादी, आजादी के बाद जरूरी हमारा हुआ कि एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसे बेहतर हो, क्या कहते हैं, रोजगार हमें कैसे मिले, हमारी जो गरीबी रेट है वो कैसे कम हो, तब दिन ब दिन जो है वो क्या है वो हम बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर पास्ट को हम भूल गए कि हम क्या थे और आज क्या है, तो हमें समझ में नहीं आया कि हमारा जो रेट था उस समय क्या था, और जो अभी वो दर है ना प्रोग्रेस की वो क्या होनी है। तो पास्ट हमेशा जीवित रहता है, वो कभी मरता नहीं है। द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट मरा हुआ नहीं है, रुका हुआ भी नहीं है, स्टैटिक भी नहीं है, इट इज अलाइव या जीवित है एंड डायनेमिक, और क्या है, गतिशील है एंड इज इन्वॉल्व और जुड़ा हुआ है, संलग्न है ना, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर पास्ट, हमारे प्रेजेंट को, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता को बढ़ाने में वो लगा हुआ है, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य के संभावनाओं को, प्रोस्पेक्ट से मतलब होता है संभावना को, और हमारे भविष्य की संभावना को बनाने में क्या है वो लगा हुआ है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आई होप कि आपको चीजें समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही होंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कहीं पर कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके आप जरूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको वही बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, द प्रोसेस ऑफ इज कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसके लगातार करने की प्रक्रिया, इसके लगातार नवीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया विधि, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लगातार, रिन्यूअल का मतलब होता है नवीकरण, यानी कि इसके लगातार नवीकरण की प्रक्रिया है ना, जो हमारा पास्ट है उसको बढ़ाने में, उसको नया बनाने में, उसको अच्छा बनाने की प्रक्रिया है। इंडीड दरअसल यानी कि वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, वास्तव में राष्ट्रीय चरित्र और संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में है। कहता है इसकी लगातार नवीकरण करने की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विकास की प्रक्रिया है।
है ना, कि जैसे जैसे हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रपति का पद आया, डैनियल आया, एक राष्ट्रपति आए और उन्होंने अपना 5 साल योगदान दिया और फिर वो कुछ बेहतर करके गए, फिर दूसरे आएंगे तो उनसे भी कुछ उम्मीद की जा सकती है, कुछ उम्मीद की जाएगी, वो भी अपना अपना फील्ड से आएंगे, वो अपनी वैल्यू एड करेंगे और ऐसे करके हमारा देश बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। तो हर का एक सिस्टम रहता है, कार्यकाल रहता है और उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, एक करते हैं फिर दूसरा, दूसरा फिर तीसरा, हर आने वाला पहले से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है ना, इसी को डॉक्टर जाकिर हुसैन यहां पर कहते हैं। आगे कहता है, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का यह काम है ना, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार ही नहीं बल्कि बिजनेस का मतलब होता है काम। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का यह काम है, एज आई सी इट, जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, के लगातार नवीकरण की जो प्रक्रिया है, मेंटेन करना है, लगातार नवीकरण करना है ना, कहता है आई मे बी फॉरगिवन, और मुझे माफ किया जाए, द प्रिजम्पशन इस पूर्वानुमान पर। कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि शिक्षा का यह काम है कि इसमें लगातार सुधार लाया जाए, इसमें लगातार अच्छाई। आगे कहते हैं कि आई मे बी फॉरगिवन और मुझे माफ किया जाए, द प्रिजम्पशन इस पूर्वानुमान पर, कि दैट माई चॉइस, कि मेरा चुना जाना टू दिस हाई ऑफिस, इस ऊंचे पद पर, हैज मेनली, है मुख्य रूप से, इफ नॉट एंटायरली, यदि पूर्ण रूप से नहीं तो, बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन। कहता है कि आई मे बी फॉरगिवन, मुझे माफ किया जाए, मैं इस पूर्वानुमान पे अपनी बात कर रहा हूं कि शायद मुझे इसलिए चुना गया है, कह रहा है कि मुझे माफ किया जाए, है ना, द प्रिजम्पशन इस पूर्वानुमान पर, दैट के माई चॉइस, कि मेरा चुना जाना टू दिस हाई ऑफिस, इस ऊंचे पद पर, हैज मेनली, मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली, यानी पूर्ण रूप से मुझे इस पद पर इसलिए नहीं चुना गया है, तो कम से कम मुख्य रूप से मुझे इस पद पर इसलिए चुना गया है, किसलिए भाई, तो बीइंग मेड ऑन अकाउंट of my long association with the education, के मेरा लंबे समय से मेरे लोगों के साथ, मेरा education के साथ जुड़ा होना, होने की वजह से मुझे चुना गया है, कि मैं education में, मैं लंबे समय से अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मैं शायद education में और भी अच्छा कर सकता हूं, इसलिए मुझे इस पद पर चुना गया है। और फिर आगे कहते हैं, आई मेंटेन दैट, मैं मेंटेन करता हूं, यानी कि मेरा मानना है कि एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, के एजुकेशन जो है वो राष्ट्रीय पर्पस के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए एक मुख्य उपकरण है, यानी कि मेन हथियार का काम करता है ना, मेन एक उपकरण है। एजुकेशन नहीं रहेगा जिस देश में, उस देश को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। कैसा है कि किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है, उस देश के क्लासरूम में बैठे बच्चे होते हैं, तो जितना बेहतर हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा, हमारा देश उतना जल्दी तरक्की करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय हित के लिए, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और वह गुणवत्ता वाली एजुकेशन इज इनकैपेबली, यानी कि विखंडित रूप से इन्वॉल्व, जुड़ी हुई है इन द क्वालिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र के गुण को बढ़ाने में। मतलब यह हुआ कि अगर हमारी जो एजुकेशन रहेगी वो क्वालिटी वाली होगी, तो हमारा जो राष्ट्र है वो भी क्वालिटी वाला होगा, यानी कि बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, हम डेवलप्ड कंट्री में गिने जाने लगेंगे, डेवलपिंग कंट्री में नहीं। आगे हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं, इसमें कहीं कुछ छूट गया हो तो आप जरूर मुझसे पूछेंगे। अगले पैराग्राफ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, आई देयरफॉर, मैं इसीलिए, प्लेज माइसेल्फ, खुद से कसम खाता हूं, खुद से कसम लेता हूं, खुद से सौगंध करता हूं, किस लिए भाई, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, है ना, अपने भूतपूर्व संस्कृति के प्रति, अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति मैं कसम खाता हूं, फ्रॉम wherever it may have come, जहां से भी ये संस्कृति हमारे देश में आई है, यानी जिन्होंने भी इस संस्कृति को हमारे देश में लाया, जो लोग मिलकर के, जो सभ्यता मिलकर के, है ना, हमारे देश में संस्कृति को लाए हैं, एंड by whomsoever it may have been contributed, और जिनके द्वारा भी इस संस्कृति को बनाने में कंट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि योगदान दिया गया है, I pledge
मैं कसम खाता हूं टू द सर्विस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ माय कंट्रीज कल्चर, मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने देश की कंट्री की कल्चर की यानी अपने देश के संस्कृति की परिपूर्णता के लिए काम करूंगा। मतलब ये हुआ कि अपने देश की जो संस्कृति है उस संस्कृति को डूबने नहीं दूंगा, उसको कम नहीं हो दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे एक पद मिल गया अब उस पद का मैं नाजायज फायदा उठा करके जो भी हमारा पावर है उसका पावर का इस्तेमाल करके मैं जो चाहे वो करूंगा, वो मैं वो करूंगा जो संस्कृति हमारी बनी हुई है, जिन्होंने भी जो योगदान दिया है, जैसे जैसे मैं उसके प्रति वफादार होऊंगा, बिल्कुल भी मैं उसका कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो कहता है I pledge myself to service, मैं उससे कसम खाता हूं किसके लिए, सर्विस करने की, सेवा देने के लिए, ऑफ द टोटालिटी परिपूर्णता की ऑफ माय कंट्रीज कल्चर, अपने देश के संस्कृति की। I pledge my loyalty, मैं अपनी वफादारी की कसम खाता हूं, मैं अपने वफादारी की गवाही देता हूं, है ना, मैं अपनी वफादारी को यहां पर गिरवी रखता हूं, to my country, irrespective of religion, मैं अपने देश की, irrespective of religion और language, बिना भेदभाव किए हुए किसी भी धर्म के और किसी भी भाषा के, यानी कि किसी धर्म और किसी भाषा के बिना भेदभाव किए हुए मैं इस देश के संस्कृति के प्रति वफादार रहूंगा, मैं इसके प्रति के लिए क्या करता हूं, मैं कसम खाता हूं। I pledge myself to work for its strength. मैं उससे कसम खाता हूं कि मैं उसके स्ट्रेंथ के लिए काम करूंगा, मैं उसकी मजबूती के लिए काम करूंगा, and progress और उसकी उन्नति के लिए काम करूंगा, and for the welfare of its people, और यहाँ के लोगों के welfare के लिए, यानी कि इसकी भलाई के लिए, इसकी अच्छाई के लिए मैं काम करूंगा, without distinction, बिना भेदभाव के। distinction का मतलब होता है भेदभाव, of caste यानी कि जाति के, color यानी कि रंग, क्रीड यानी कि पंथ, विश्वास जिसमें हम शरण लेते हैं, जिसमें भी हम विश्वास करते हैं ना, जो भी जिस धर्म में भी हम यकीन करते हैं, उसके बिना भेदभाव के हुए किसी जाति के, किसी रंग के या किसी धर्म के। The whole of Bharat is my home, पूरा भारत मेरा घर है, and its people are my family, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। बस यही तक आज का हमारा वीडियो है। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। आएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अगले पार्ट में। जय हिंद।